अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ स्ट्रीट पे मिलने वाले आलू टिक्की चाट की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही चटपटा सा बनता है। साथ में पाइनएप्पल का जूस हो गया, अंडा घोटाला और इमली की चटनी की भी रेसिपी शेयर करेंगे, तो पूरी वीडियो आप एंड तक देखिए। हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है आपको स्टेप बाय स्टेप सारे रेसिपीज देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इमली ले लेते हैं। इमली में जो भी इस तरह से रेसे वगैरह होते ना, उसे आप पहले साफ कर लें। तो जब हम इसे भिगोकर छानते ना, तो थोड़ा आसानी होता है और जल्दी से इसका पल्प जो है निकल जाता है, स्टेन हो जाता है। और इस तरह से साफ करके आप कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं। तो टोटल हमने 1 kg इमली लिया था, जिसे हमने हाफ जो है स्टोर कर लिया है, जो कि ईद के मौके पर काम आने वाला है चटनी। फिलहाल तो अभी हम 1/2 kg जो चटनी बना रहे हैं ना, इसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो 1/2 kg इमली में हम डाल देते हैं गरम पानी। गरम पानी डालने से रिजल्ट काफ़ी जल्दी आता है, बहुत ही जल्दी इमली जो है सॉफ्ट हो जाती है। और हाथों से इस तरह से हम हल्का सा प्रेस करते हुए इसके जो भी गुठले वगैरह ना, सारे हम निकाल लेते हैं। और बड़ी सी छन्नी की मदद से इसका जो पल्प है उसे हम छान लेते हैं। यहाँ पर जो है इमली की चटनी बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसे स्टेन करने में। अगर आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी डाल दे जाएं और आप इसे अच्छी तरह से स्टेन कर लें। जो भी पल्प है ना उसे आप निकाल लें। तो हमने इसे पूरा स्टेन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा पल्प निकला है और जो सारा जो बीजा वगैरह था वो सारा साइड हो चुका है। यहाँ पर जो है हम गैस ऑन कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और हम इसे चलाते हुए तकरीबन 15 मिनट पका लेते हैं। तो इसी में हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमने लिया है 1/3 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon नमक लेंगे, 1/2 teaspoon काला नमक लेंगे और 1/2 teaspoon ले लेते हैं भुना हुआ जीरा पाउडर। तो इन तमाम मसालों को हम चटनी में डाल देते हैं। काला नमक और भुना हुआ जीरा जो होता है ना, उससे बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाता है। और अगर आप इसमें मिर्च नहीं डालना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मिर्च हम इसमें इसलिए डालते हैं ताकि इसका बैलेंस बना रहे, क्योंकि हम इसमें गुड़ भी डालने वाले हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो यहाँ पर जो है आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो तकरीबन हमने 200 ग्राम के करीब इसमें गुड़ ऐड कर लिया है। अब 10 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे अच्छी तरह से। ज़्यादा हमें थिक नहीं करना है, क्योंकि चटनी जो है जैसे जैसे ठंडा होता है ना, ये और थिक होता है। ऑलरेडी हम इसे फ्रिज में रखने वाले हैं स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चटनी जो है एकदम परफेक्ट पक चुका है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं। टोटल हमें इसे पकाने में 17 मिनट लगा है। तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, ठंडा कर लेंगे पूरी तरह से। यहाँ पर हम एक जार ले लेते हैं। ये देखिए ठंडा होने के बाद किस तरह से ये थिक होने लगा है। जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे ना, तो ये और भी थिक हो जाएगा। यहाँ पर हम एक कांच का जार ले लेते हैं। जब आप इसे स्टोर करें तो कांच की जार को आप अच्छे से पहले सुखा लें, उसके बाद आप इसमें डालें। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसे फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। अब आप इसे समोसे के साथ, दही बड़े के साथ और कांजी वड़ा, जो भी आपको बनाना हो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और हाँ, ये सारी रेसिपीज भी हमारे चैनल पर है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर हमने ले लिया है पाइनएप्पल। अगर वेट से लें तो पूरा ये 1 kg है, तो हम इसके छिलके निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर हम पूरा सिल लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप उसके छिलके निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सी के जार में इसे ग्राइंड कर लेते हैं और इसका हम जूस बनाएंगे, शरबत बना लेते हैं। तो इसे भी हम छन्नी में डालकर इसे अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि ये जो हम शरबत बनाए ना, इसमें बिल्कुल भी कुछ रेसे वगैरह या फिर पाइनएप्पल के कोई चंक्स ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ा हो और बहुत ही स्मूथ सा यहाँ पर शरबत रेडी है। और हाँ, अगर आप शेक बनाना चाहते हो तो आप पानी की जगह पर दूध डालकर आप इसे ग्राइंड करें। अब मीठे के लिए हम इसमें डाल देते हैं 3 से 4 teaspoon के करीब चीनी और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे।
जो हम दूध डालकर जो ये पाइनएप्पल का शेक बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ना ये शरबत लगता है हमें, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान भी है बनाना। तो आप लोग इस तरह से ये हेल्दी सा शरबत भी बनाकर पी सकते हैं। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना तो आप इसमें से चीनी स्किप कर दें। चलिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और यहाँ पर हमने जो है आलू बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो आलू के अब हम छिलके निकाल लेंगे। आलू जो है पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 कप भर के मटर, तो मटर को भी हम बॉईल कर लेते हैं इसमें नमक और हल्दी डालकर। तो मटर को बॉईल करके हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर जो है आलू की हम टिक्की बना लेते हैं। तो ये जो हम टिक्की चाट बनाते हैं ना बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे अगर आपको एकदम स्ट्रीट फूड चाहिए ना जो कि तवे पर भैया लोग बनाते हैं यूपी स्टाइल, वो भी रेसिपी है हमारे चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है रमज़ान का महीना है इसलिए हमने बड़ा वाला तवा नहीं उतारा है। आज हम इसे छोटे से तवे पर ही टिक्की बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं 1/2 टीस्पून के करीब। और अगर आपको एकदम क्रिस्पी चाहिए तो आप इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा भी डाल सकते हैं, बट ये सब हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। स्ट्रीट फूड पे जो है भैया लोग वो डालते हैं कॉर्नफ्लोर, ताकि टिक्की जो है थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर हम प्योर सिर्फ आलू ही रखेंगे, सिर्फ नमक और मिर्च हमने इसमें डाला है, बाकी कोई मसाले भी नहीं डालेंगे। और इस तरह से हम टिक्की बनाते जाएंगे। यहाँ पर टिक्की का शेप छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे तवे पर अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आने लगा है। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम जब टिक्की को लंबे टाइम तक फ्राई करते हैं ना तो बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होता है। और इस तरह से अगर आपको इफ्तार में किसी के वहाँ थाल में भेजना है ना तो इस तरह से सर्व करते जाएँ और इसे आप देते भी जाएँ। चलिए यहाँ पर हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर प्याज टमाटर और चटनी वगैरह डालकर आप इसे सर्व करें, क्योंकि ये आलू और ये जो मटर होता है ना ये तो फिलहाल सादा होता है, इसके ऊपर से हम इसकी प्लेटिंग करते हैं तब हम इसे और चटपटा बनाते हैं। इसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा ये रगड़ा डाल देंगे, बोल के वह मटर डाल देते हैं। अब आप इसमें ज़रूरत के अनुसार आप इसमें हरी वाली चटनी डालें जितना आप चटपटा खाना पसंद करते हो। वैसे हरी चटनी तो ऑलमोस्ट सब लोग घर में बनाते ही हैं। पुदीना धनिया की पत्ती और हरी मिर्च नमक डालकर आप इसे ग्राइंड कर लें। इसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल दें ताकि इसका कलर जो है चेंज ना हो। अब इसमें हम मीठी चटनी डाल देते हैं। इसके ऊपर से अगर आप चाहें तो मसाले भी डाल सकते हैं, बच्चों के पसंद के अनुसार आप इसमें मसाले वगैरह डालें, जिस तरह से आप उन्हें खाना पसंद हो ना उस तरह से सर्व करें। बड़ों के लिए प्लेट लगा रहे हो तो आप इसमें मसाले भी डाल सकते हैं। मसालों में भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये चारों मसाले आप मिक्स कर लें। उसके बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा आप स्प्रिंकल कर लें, उसके बाद आप इसे सर्व करें जिस तरह से हम दही बड़े को सर्व करते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल तरीका शेयर किया है आपके साथ रगड़ा पेटिस चाट बनाने का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग भी इस तरह से बनाएं और इस तरह से सर्व करें, बेहद सबको पसंद आने वाला है। इफ्तार में आप ज़रूर ट्राई करें। जब कभी भी ट्राई करें हमें फीडबैक देना ना भूलें। और यहाँ पर आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि कितना ये टेस्टी बना है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर और हम बना लेते हैं सूरत का फेमस अंडा घोटाला। बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पर भी हम आपको शेयर कर रहे हैं। अगर आपको एकदम स्ट्रीट फूड चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। सारी रेसिपीज ऑलमोस्ट हमने अपलोड की है। रमज़ान में बनाते हैं तो थोड़ा हम जल्दी में बनाते हैं। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में आप ऑयल डालकर ग्रेट के व अदरक लहसुन डाल दें। उसके बाद हमने 4 प्याज को इस तरह से बारीक चॉप करके इसमें डाला है। प्याज को हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पहले भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चौपके हुए टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर हम इसे भी भून लेंगे। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसी में हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं।
अगर आपको लाल मिर्च इसमें डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर जो है हम लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ हमने हरी मिर्च ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से हम भुनने देते हैं। यहाँ पर हमने अंडा जो है पहले ही बॉयल कर लिया है, तो अंडे का छिलका निकालने का आसान तरीका यह है कि आप इसे गिलास में डालकर या फिर आप बर्तन में ही आप इस तरह से अगर आप हिलाएंगे तो इसके ऊपर ये क्रेक आते जाएगा और ये छिलका जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने है। अब यहाँ पर जो है प्याज टमाटर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पाव भाजी मैसर से इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। वैसे जो भैया लोग हैं ना बड़े से तवे पर इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हैं। हम लिंक दे देंगे, आप लोग वाली भी वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने तो यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इस तरह से हम मिक्स करके हम इसे भूनते जाएंगे। जब प्याज टमाटर सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तब हम इसमें ये बॉयल किया हुआ अंडा डाल देंगे। और अंडे को हमने इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा ही काट लिया है, अगर आप चाहें तो एकदम बारीक भुर्जी की तरह भी चॉप कर सकते हैं। चलिए अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आपके पास अंडा मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं जो कि स्ट्रीट फूड पे अक्सर मिलता है। और हाँ, अगर आपके पास डायमंड गरम मसाला मिलता है ना तो आप वो ले लें, बहुत ही लजीज उसमें अंडा भुर्जी बनता है। और ये अंडा घोटाला की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब आप इस तरह से आप घर में बनाएंगे ना तो रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है मसाला जो है बहुत ही कम हमें डालना है, 1/4 हाफ टीस्पून के करीब आप इसमें डालें। चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसी में हम बारीक चुपके और धनिया की पत्ती डालेंगे, उसके बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखा आपने, बहुत ही टेस्टी बहुत ही लजीज ये अंडा घोटाला बनकर रेडी होता है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, जब कभी भी ट्राई करें हमें फीडबैक देना ना भूलें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप लोग भी इसे ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो के आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।